हम बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फंक्शंस तो हमारे इनबिल्ट है। इसी को एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए मुझे 10 को और 20 को प्लस करना है तो हम इसको इस तरह से प्लस करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, या फिर मैं सम लगाऊं और इसको सिलेक्ट करूं तो यहां पे आपको सम दिख रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए इसमें यहां पे हमने एक्सेल के इनबिल्ड फीचर को यूज किया है। हमने क्या किया है, इनबिल्ड फीचर को, और ऊपर जो है हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज किया है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है एंड पावर है। ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो क्या है सर कि जो सम जैसा फॉर्मूला इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बना के भेजा है, फंक्शंस लिमिटेड है। आपके पास कुछ ऐसा काम आ सकता है जिसके लिए ऐसी कोई फीचर अवेलेबल ना हो, ठीक है, या अवेलेबल हो तो आपको बताना। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि क्वार्टर, यहां पे क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए 54 सेल है, क्वार्टर टू में हमने 55 किया है। तो हमें पता करना है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को हमने कितना ग्रोथ किया है, हमने कितना ग्रोथ किया है। तो यहां पे हम लेते हैं जिया और यहां पे देते हैं ग्रोथ, ग्रोथ माफ कीजिएगा, ग्रोथ का फॉर्मूला यहाँ पे सूट नहीं करता है। तो अगर मैं ग्रोथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स रूल में। तो कहता है मैथमेटिक्स की लेटेस्ट, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहां पे होगा आपका लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है। देखिए एंटर मारने पे ये फॉर्मूला आपका वर्क सही से नहीं करेगा, ना करने के पीछे रीजन है। रीजन ए है आपका, क्योंकि हमने इसको बोर्ड मास मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने क्या किया है, बोर्ड मास मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है।
सॉरी सर। तो यहां पे हम बोर्ड मास मेथड मतलब कि कैलकुलेशन, क्योंकि बोर्ड मास मेथड कहता है कि वो पहले डिवाइड करेगा देन माइनस करेगा, बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट माइनस देन डिवाइड। तो हम इसको ब्रैकेट्स में लेंगे और एंटर मारेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। इससे परसेंटेज है तो परसेंटेज का आप सिंबल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो प्रिंसिपल है, रेट है एंड टाइम है। और प्रिंसिपल मेरा मान लीजिए 20,000 है, या 50,000 कर देता हूं, 50,000 है। रेट हमारा मान लीजिए यहाँ पे 4% है, और टाइम हम बोलते हैं कि ना टाइम यहाँ पे 3 साल। और मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। और ऐसे अमाउंट के फॉर्मूले हो सकते हैं, अमाउंट का कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r / n / t / n। एन क्या है? एन इक्वल टू 12 है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें मंथली इंटरेस्ट हमारा कैसे कैलकुलेट करें। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है तो हो सकती है कि हमें दिक्कत हो, तो हम इसको तोड़ कर करते हैं। पहले करते हैं आर डिवाइड बाई एन मतलब कि रेट डिवाइड बाई 12, फिर इक्वल 1 + r / n, फिर हमारा टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और फिर टाइम ये इसका पावर 36 होता, और उसको हम पी से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा 56,363। यहाँ पे समझिए दीपेंद्र जी कि हमने जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है तो उसका रिजल्ट करने के लिए हमने कई सारे सेल्स को यूज किया है, बट मैं चाहता हूं अपना रिजल्ट एक सिंगल सेल में, अपने रिजल्ट को एक सिंगल सेल में रखना चाहता हूं। तो उसके उस केस में क्या करेंगे? अब उस केस में हम बात करते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। जब देखिए ये फॉर्मूला 1 + d14, अब मैं d14 पे जाता हूं तो d14 पे ये फॉर्मूला है, तो क्यों ना इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लू सिलेक्ट करके, और जहां पे d14 है उसको डिलीट करूं, ब्रैकेट के अंदर d14 का फॉर्मूला पेस्ट कर लू। अब ऐसे ही देखिए a जो है हमारा e14 एंड f14 से है, तो मैं E14 पे जाता हूं, E14 के फॉर्मूला इक्वल के बाद से कॉपी करता हूं, और जहां पे E14 है उस E14 के ऊपर ब्रैकेट में हम पेस्ट कर दें, और फिर यहां पे भी आते हैं, कॉपी करता हूं, और यहां भी जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में हम इसको,
और फाइनली हम इसको कॉपी करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में देते हैं और यहां B11 मल्टीप्लाई बाई G14, G14 के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, फिर जहां चाहिए इसको कट करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला लिंक अब किसी से नहीं है, अब मैं इसको इजिली डिलीट कर सकता हूं। दीपेंद्र जी समझ में आया आपको? सर डाउट है इसमें? थोड़ा सा है ना, प्योर ठीक सा है नहीं। चलिए कोई और, ठीक है अब अगला एग्जांपल हमारा है एमआरपी का, हमें एमआरपी निकालना है और किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट यहां दिया हो, कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज है तो एमआरपी क्या होगा? तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि इसका 5%, इसका जो 5% जो है मैं कि मैन्युफैक्चरर 50 रुपए में 2.5 रुपए का कमीशन ऐड करके बेच देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर के सेलिंग प्राइस पे 10% का कमीशन ऐड करता है और इस कमीशन में ऐड करके होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर अपने खरीद का 15% ऐड करता है और ये 15% रिटेलर को दे देता है, रिटेलर अपने खरीद का 20% ऐड करता है और अपने कंज्यूमर को दे देता है। अब मुझे यहाँ पे कंज्यूमर की इन सारे को एक में करना है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ये आपका C18 है, B17 तो B17 तक कॉस्ट आपका फिक्स है, C18 है और C18 पे फॉर्मूला लगा है, C18 का फॉर्मूला हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, इक्वल को कॉपी नहीं करेंगे ध्यान रखिए, और यहाँ C18 है तो C18 के जगह पे C18 का फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे लेकिन ब्रैकेट में ताकि कैलकुलेशन हमारा इफेक्ट ना हो। अब ऐसे ही हमने C18 को कॉपी किया, जहां जहां C19 जहां जहां है वो C19 पे हम उसको पेस्ट कर, यहां भी C19 है C19 को पेस्ट कर। अब यहां पे देखिए ये आपका फॉर्मूला है, इसको कॉपी करते एक एक, अब ये देखिए आपका D18 है, इसके जगह पे हम इसका फॉर्मूला पेस्ट कर, फिर हम इसको कॉपी करेंगे और ये आपका D19 के जगह पे D19 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं जहां जहां D19 है, हमने इसकी फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया और फिर यहां पे हम E18 के फॉर्मूला कॉपी करते हैं और जहां E18 लिखा हुआ है उसके जगह पे हम ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला पेस्ट करते हैं, वापस हम इसको कॉपी करते हैं किसको E19 को और यहां भी E19 है तो ब्रैकेट में हम इसकी फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं और यहां भी E19 है तो ब्रैकेट में हम इसकी फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं और फिर वापस हम F18 को कॉपी करते हैं और F18 को हम यहाँ पे ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला पेस्ट करते हैं। अब कट करके जहां ले जाना ले जाइए, कॉपी मत कीजिए कट कीजिएगा, इन सारे को डिलीट कर सकता हूं, इतना लंबा फॉर्मूला लिखना मुश्किल है
लेकिन हमने फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से इस फॉर्मूले को लिख लिया। समझ में आया आप लोगों को सर? लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग मैथमेटिक्स की बुक उठाइए या गूगल से लीजिए, और मुझे तकरीबन 10 ऐसे, अभी मैंने आपको तीन बताया ना सर, आपको मैंने ग्रोथ के बारे में बताया, हमने आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाया और एमआरपी कैलकुलेट करना सिखाया। ऐसे आप अपने हिसाब से 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला को आप करके देखिए, ठीक है? हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। इसी एग्जांपल में डिफरेंट अमाउंट परसेंटेज लेना है ना या अलग? सर मैं बोल रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स तो पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े सवाल ही नहीं होता है। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले थे ना हमारे जी, अब याद नहीं है तो गूगल की हेल्प लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मूले को एक्सेल में अप्लाई कीजिए। याद है सर, जो आप जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप नोटपैड पेन और पेंसिल से करते थे ना, सेम कैलकुलेशन यहाँ एक्सेल पे। ऐसा इसलिए कि बताने का पर्पस क्या होता है कि आपके पास फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे फॉर्मूला आपके हर तरह की कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट है? हो सकता है कि कोई ऐसी कैलकुलेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला ही नहीं। तो उस केस में इस तरह के मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी, आगे चल के जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो आपको चाचा पंचमी नाम के फॉर्मूला बताएंगे, तो आप इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड का इस्तेमाल करके फॉर्मूला को सिंपली लिख सकते हैं। फॉर्मूला को आप अलग अलग सेल में बनाओ और फिर उसको आप उसमें अप्लाई करो, ठीक है? अच्छा सर, चलिए तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, गुड नाइट। नाइट, सॉरी।